सो गाइस, मैं अभी आप लोग के साथ में शूट कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग। जी हाँ, क्योंकि मैं जब से बैंगलोर आई हूँ बालों में तेल डाल ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज है वेडनेसडे और कोशिश करूँगी कि आज का ब्लॉग आप लोग के पास चला जाए। एकदम बाल एकदम से ड्राई हो गया है मुझे मेरा यहाँ पे। तो आज मैं आप लोग के रिक्वेस्ट पे कोकोनट ऑयल से कर रही हूँ मसाज अपने बालों का। बहुत ज़्यादा रफ हो गया है। आई मीन वन वीक होने वाला है, वन वीक कंप्लीट होने वाला है, बट मैंने अभी तक अपने बालों में तेल ही नहीं डाला। टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मुझे ना अभी अंदर सिर्फ करंट नहीं है और मुझे बाहर सूट करने में ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सब लोग देखते रहते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता सूट करने में बाहर। बट अभी मैं बाहर ही कर रही हूँ फिर मुझे। सो गाइज, आप लोग का रिक्वेस्ट भी था कि मैं साड़ी में वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ एक चीज़ कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा साड़ी में वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं साड़ी वेयर करूँ। बट कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ, बट ज़्यादातर मेरा कुर्तीज़ में पैंट सलवार में ही आएगा ज़्यादा वीडियोज़। जो मैं डेली कपड़े पहनती हूँ बस वही चेंज करना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ तो मैं मम्मी थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पास टाइम रहता था कि हाँ मैं करती। बट कोशिश करूँगी कि आप लोग का सभी रिक्वेस्ट मैं पूरा करूँ, जो जिनका रिक्वेस्ट है तो मैं एक दो कोशिश करूँगी कि पूरा हो पाए, क्योंकि एक्चुअली ना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं जो पहन रहती हूँ मैं उसी में सूट कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं, ठंडी उस तरफ बिहार में ज़्यादा ठंडी है। मेरे हस्बैंड बोल रहे इसको धूप में रखो मेल्ट होगा, ये तो ऐसे ही मेल्ट हो रखा है। ये 45 ml ही मेरे बालों के लिए ज़्यादा है गाइस। मैं 100 ml का जो वीडियो आप लोग का रिक्वेस्ट था, इस तरीके से मैं उढ़ेल के बनाऊँ कोट करके डायरेक्टली, तो वो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी जैसा टप टप तो निकलने लग जाएगा बालों से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।